आत्मविश्वास का न होना वैवाहिक असंतोष का कारण, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में कला में प्रैक्टिस करता हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ये हमारा संकल्प है। काफी सारे लोग मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं, तो एक व्यक्ति ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए वीडियो कॉल हम करते हैं, वीडियो कॉल से वो उसने मेरी अपॉइंटमेंट लिया और वो बोले कि मुझे ठीक होना है क्योंकि मेरे संबंध मेरे वाइफ के साथ में तो बहुत खराब है, पट्टी नहीं है, हम ऑलमोस्ट डाइवोर्स के मतलब मोड़ पे है कि हम भाई अभी तलाक ले लेंगे। मतलब हुआ क्या, तो उसने जो चालू किया बड़ी लिस्ट कि मेरी वाइफ ऐसी है वैसी है, छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा करती है, फेंक फाक कर देंगे, कभी कभी बहुत वायलेंट हो जाती है और फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने नहीं रहना चाहिए, मैंने डिवोर्स लेना चाहिए, तलाक लेना चाहिए मेरे वाइफ से। तो ना ठीक है आप जो बोल रहे हो, मगर ये बताइए कि हुआ क्या। नहीं, बोले वो मेरा इंसल्ट कर देती है, मेरे से छोटी बात के ऊपर झगड़े करती है। मतलब ये नहीं हुआ, एक्चुअली हुआ क्या, कौन सी घटना भी इतने में हुई कि जो घटना से आपको ऐसा लग रहा है कि वो मेरे से बराबर बर्ताव करती नहीं है, और कौन सी ऐसी बात हुई कि जिससे आपका झगड़ा चालू हो गया। बोले ऐसा हो गया था कि मैं मेरे दोस्त के पार्टी में गया था, हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे और वहां हमारे 5-6 दोस्त थे और 5-6 दोस्तों ने मिलकर मेरी मजाक उड़ाया। जैसे मजाक उड़ाया तो मैं उनको कुछ बोल नहीं सका और फिर वहां से हम घर आए, फिर मैंने मेरे पत्नी को बताया कि तूने मुझे डिफेंड क्यों नहीं किया, तू ये मुझे डिफेंड करती थी तो हो सकता था कि मैं वहां जो मेरा एकदम प्रॉब्लम हो गया कि मुझे चुप रहना पड़ा और वापस आना पड़ा, मेरा इंसल्ट हो गया तो होता नहीं था। बोला भाई ठीक है आप जो बोल रहे हो, और उसके ऊपर फिर झगड़ा चालू हो गया बोले घर में आने के बाद में। बोला वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या बोली फिर, उसने बोले मैंने क्या ठेका लेकर रखा है आपको डिफेंड करने का, और वो चालू हो गए, बोले मैं चालू हो गया, बहुत झगड़े हो गए। मतलब देखिए आप खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहे, आपका आत्मविश्वास नहीं है, आप ऐसे इसमें जा रहे कि नहीं मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, घबरा जाते हैं और उसका पूरा जो है वो पत्नी के ऊपर लोड देते कि तूने मुझे डिफेंड नहीं किया। उसको भी तो डर होगा, उसको भी तो डिफेंड करना नहीं आता होगा आपको, और फिर वो ऐसा बोलेंगे नहीं कि मुझे नहीं करना आता, वो भी फिर आपके ऊपर गर्म हो जाती है, फिर दोनों झगड़ा करते हैं। दोनों में प्रॉब्लम क्या है, दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों का वीकनेस ये है कि आत्मविश्वास नहीं है और डिफेंड नहीं कर सकते। तो मैंने बोला भाई ये आपका पत्नी के साथ में, बोले पत्नी के साथ में हरदम होता है, और किसके साथ में होता है। बोला भाई भाई के साथ में भी होता है। बोले भाई के साथ में क्या होता है, बोले वो भी बहुत मतलब मेरे से झगड़े करते रहता है। अच्छा, और बोले माँ बाप से भी मैं अलग रहता हूँ, उनके साथ में पट्टी नहीं है। अच्छा, परसों जो वो लोगों के ग्रुप में मैं गया था जहाँ उन्होंने मेरी मजाक उड़ाया, फिर वो ग्रुप से मैं तो एग्जिट हो गया। मतलब देखो भाई, वो जो ग्रुप से आप एग्जिट हो गए, भाई के साथ में बनती नहीं है, माँ बाप के साथ में बनती नहीं है, पत्नी के साथ में झगड़े हो रहे, डिवोर्स के ऊपर केस आ गया, ये सब में कॉमन कौन है? कॉमन तो आप ही हो, और आप सबको बदलने में लगे हो। सबको सब कैसे बदलेंगे? हर एक को लगता है कि मैं राइट हूं, मैं सही हूं। आपको लगता है कि सब गलत है और मैं सही हूं। आप कितने लोगों को काटेंगे? आप भाई से बात नहीं कर रहे, आपने बताया आप वो ग्रुप में से बाहर हो गए, अभी पत्नी से अलग होने की बात कर रहे, कितने लोगों को जिंदगी में से काट दोगे? आपको देखना पड़ेगा कि अपने में क्या ऐसी कमी है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। फिर जब उसने देखा तो बचपन में ऐसी कोई घटना हुई थी, दो घटना ऐसी थी कि जिसमें एक बार घर में बहुत उसको पिताजी ने डांटा, मारा, ठोका, और एक बार स्कूल में हेडमास्टर ने उनको मारा था, और तब से उसको मन में दहशत हो गई कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, मैं असहाय हूँ और मेरे से कुछ भी असंभव है। और फिर उसमें वहां से उसकी पर्सनैलिटी वैसी बन गई, और अभी वो है बड़ा आदमी, पैसे बहुत कमाता है और मतलब सब है, मगर शांति नहीं है, पत्नी के साथ में झगड़े हो रहे। तो फिर उसको वो पट गया, जब मैं उससे बातचीत करने लगा, 2-3 सीटिंग हुए, धीरे धीरे उसको समझ में आया कि कॉमन तो मैं हूँ, लोगों को मैं दोष देते रहता हूँ, और मैं ये पत्नी से डिवोर्स ले लूँ, तलाक ले लूँ, दूसरी पत्नी करूँ, नए पत्नी में ये पत्नी के दोष नहीं होंगे, मगर नए पत्नी में नए दोष होंगे कि जिसकी वजह से फिर आपकी पटेगी नहीं। बोले हाँ वो भी हो सकता है। फिर अब बदलना किसको है? बोले बदलना मेरे को है, मेरे को समझ में आ गया बदलना मेरे को है। देखो जिंदगी में यहाँ कोई बदलने के लिए आया नहीं है, बदलना आपको है। हम सुबह से लेकर रात तक लोगों के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा नहीं करना चाहिए, बदलना चाहिए था, मुझे वो लोग तकलीफ। लोग कुछ भी करेंगे, लोग कैसा भी बर्ताव करेंगे, आपको ऐसा रहना है क्योंकि आप पावरफुल इंसान हो। लोग आपको मदद नहीं करेंगे, लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, लोग आपके खिलाफ काम करेंगे, लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर आप
वो वातावरण में, वो लोगों के साथ में आप कैसे हो कि लोगों ने कुछ भी किया तभी आप उसका सामना करेंगे, तो ये महत्व का है। जब उसको ये पड़ गया तो बोले हाँ मेरे मुझे काफी समझ में आया कि अभी ये जो है उसका कारण है वो मैं हूँ, मतलब मैंने कुछ तो भी करना चाहिए, तो मुझे बहुत अभी हल्का लग रहा है। एक दो तीन सीटिंग जब हुए, जब उसको धीरे 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 ख्याल आ गया, मैंने उसको असाइनमेंट दिया था फिर पहले इसमें कि आप अभी ये देखो पिछले महीने भर में या दो महीने में पत्नी के साथ में या और किसी के साथ में अपसेट आप कब हो गए, और जब अपसेट हो गए विचलित हो गए एक्चुअली क्या हुआ, वहां घटना क्या हुई, किसने आपको कुछ बोला, क्या आपका एक्सपेक्टेशन जो था अपेक्षा जो थी वो भंग हो गई। हो सकता है कि जब आप अपेक्षा भंग हो जाती है तब आप अपसेट हो जाते हो, मगर हम बोलते नहीं कि मेरी ऐसी अपेक्षा है, मैं ऐसा मन में सोचता हूं कि उसने वैसा करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, लोगों ने ऐसा करना चाहिए, मेरे पत्नी को ऐसा समझना चाहिए, उसको इतनी समझ आनी चाहिए, मेरे बच्चों को ऐसा सब, मुझे मेरे इसमें क्या रहता है मेरे डोमेन में चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए वो वैसा होना चाहिए, मेरी अपेक्षा रहती है और लोग उसका अपेक्षा भंग कर डालते हैं और फिर हम अपसेट हो जाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि मेरी इससे पट्टी नहीं उससे पट्टी नहीं। जब उसको ये क्लियर समझ में आया, कॉमन आदमी ये खुद ही है, तो बोले ठीक है अभी मेरे को समझ में आ रहा है, मैं अभी खुद को बदलूंगा, खुद में परिवर्तन लाऊंगा, दो चार सीटिंग के बाद में और वो अच्छा हो जाएगा, जिसमें वो हस्बैंड वाइफ की जमने लगेंगे, क्योंकि जब उसको पता चला कि मैं हूं जो कॉमन है, और जब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया खुद के लाइफ की, तो डेफिनेटली वो लाइफ अच्छी चलने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, हमारा जो मकसद है संकल्प है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा, इसलिए शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।